हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, अनदर वर्किंग डे। कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कल मैं स्कूल नहीं गई थी, तो पूरा दिन मैंने रेस्ट किया। बट अभी भी थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बट एनीवे स्कूल जाना है क्योंकि दो चार दिन में PTM भी हो जाएगा, तो मुझे सारा काम कम्प्लीट करना है। दशहरा की छुट्टियों से पहले PTM होगा ना, उसके लिए सब कुछ। तो चलती हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, लेट नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि कल स्कूल नहीं गई थी। तो चलो, मैं आप लोगों से बात में करती हूँ। गाइस, फाइनली मैं घर वापस आ गई हूँ और थक गई हूँ। जाम आज बहुत ज्यादा मिला मुझे, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। कहाँ मैं 3:10, 3:15 पे पहुंचती हूँ। आज 4:15 हो गए हैं जाम की वजह से। माइलू की मम्मी आ गई। चलो चलो, क्यों? तो गाइज, शाम हो चुकी है और मम्मी मेरे लिए कॉफ़ी बना रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। दो तीन दिन से, मतलब लगा लो 1 तारीख से ही अच्छा नहीं लग रहा था। फिर 2 तारीख को घर में बैठी हुई थी, पेपर्स वगैरह चेक कर रही थी, तो मुझे लगा वो मे भी थकावट की वजह से हो रहा है। कल मैं स्कूल नहीं गई, कल वाकई में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और आज तो स्कूल गई, बट स्कूल में भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर आके अब तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो मुझे यही अपडेट देना था क्योंकि कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाया है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत फीवर लग रहा है अंदर अंदर, BP लो लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और बस कॉफ़ी रेडी होगा, पर माइलू का देखो, माइलू शैतानी कर रहा है, परेशान कर रहा है। माइलू का बॉल खो गया, तो गाइस पता नहीं माइलू का बॉल कहाँ है, बॉल नहीं मिल रहा है। माइलू को छोटा वाला बॉल मिल गया है, ये नानू के बेड के नीचे था ना माइलू, छोटा बॉल मिल गया। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? पंखा बंद करो। तो गाइस, ये रहा मेरा कॉफी और माइलू पूरी जासूसी कर रहा है कि नानू क्या कर रहे हैं। माइलू सामने से हट, माइलू। तो पापा इसको लेवल में कर दे रहे हैं क्योंकि हम इसमें बनाएंगे राइस बियर। तो एक्चुअली हम लोग ट्राई कर रहे हैं राइस बियर बनाने का, मतलब ट्राई क्या कर रहे हैं क्योंकि जो मेडिसिन आती है ना, 3-4 महीने से रखा हुआ है, तो देख रहे हैं बना के कि वो कैसा बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि फिर अगर गांव से लोग आ रहे हैं ना तो हम उनसे मंगवा लेंगे, तो ये टेस्टिंग के लिए है। तो हम लोग टेस्टिंग करने के लिए अभी इसमें थोड़ा सा बनाएंगे,
अच्छा बनेगा तो ठीक है, वरना गांव से मामा के बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो वो लोग फिर इसको दूसरे मेडिसिन ले आएंगे। तो आपको पता होगा हड़िया, हमारी भाषा में हड़िया बोलते हैं और इंग्लिश में राइस बियर बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ये पतीला धो दे रही है, इसको अच्छी तरह से धोएंगी और इसमें हम लोग हड़िया बनाएंगे, राइस बियर ना मम्मी। इतना बड़ा पतीला है और इसमें लिट भी नहीं आ रहा होगा, तो एक्चुअली ना बहुत साल से मम्मी ने राइस बियर नहीं बनाया, तो मम्मी बोल रही हैं कि मम्मी भूल गई हैं कि राइस बियर बनता कैसे है। तो वही भाभी आई हुई है ना, तो भाभी बस बनाएंगी और भाभी के हाथ से अच्छा भी बनता है। तो जब हम लोग गाँव गए थे तो आप लोगों ने देखा था ना, मटके में बनाते हैं लोग और वो करते हैं, तो बस वही बनाते हैं राइस बियर। और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे राइस बियर बनाते हैं, और मैं थोड़ी देर में डॉक्टर के पास भी जाऊंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। दो दिन से मैं डॉक्टर के पास ही नहीं गई हूँ, अपना ट्रीटमेंट मैं खुद ही कर रही थी, मैं खुद ही एक डॉक्टर बन रही थी, बट अब ज़्यादा ही वीकनेस लग रहा है, तो लगता है मुझे सच्ची में जाना ही पड़ेगा। तो फटाफट से कॉफ़ी पीती हूँ और मम्मी लोग जब चावल चढ़ाएंगे तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो गाइस ये चावल चढ़ा दिया है। अच्छा, तो ये डिनर के लिए चावल बन रहा है और इसमें क्या है भाभी, इसमें क्या है, खोल के देख लूं, खोल के देख लूं। तो ये हड़िया बनाने के लिए, राइस बियर बनाने के लिए पतीले में चावल चढ़ा दिया, तो ये गए। और ये है, इसको राइस बियर में डालते हैं, ये रनु होता है, इसी से बनता है राइस बियर, इसके बिना तो ये बनेगा ही नहीं, तो इसको भी बनाते हैं। और ये अगर गले में दर्द वगैरह होता है ना, तो इसको ना पीस के छोटा, इसको एकदम पेस्ट बना के गले में लगाने से भी ठीक हो जाता है। तो ये है इस, एक्चुअली हमें इसी को ट्राई करना है कि ये कैसा है, ये अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो गाइज अभी चावल वगैरह बनने में टाइम है, तो जब तक वो बनेगा मैं डॉक्टर के पास से आ जाती हूँ, वरना मेरी हालत हो जाएगी ख़राब। दो दिन से खुद ही डॉक्टर बन रही थी, तो अब जाती हूँ डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, फिर हम मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी हड़िया बनाने का। तो गाइस फाइनली मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ और मेरा बीपी हद से ज़्यादा लो है, हद से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लो है, जिस वजह से मुझे दो तीन दिन से ऐसे लग रहा है। इनफैक्ट आज जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी ना, तो मैं से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना थकावट हो रहा था, सांस फूल रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे ये दिया है, ये बोला है पीने के लिए एक गिलास पानी में 3 चम्मच डाल के पीना है, और मेडिसिंस दे दी है खाने के लिए, और थोड़ा ख्याल रखने के लिए बोला है ज़्यादा ही, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा लो है। और यहाँ पे भाभी सलाद के लिए काट रही है, और माइलू की नज़र इसी में है, एक माइलू ही अपना खून बढ़ाएगा। तो भाभी ने खीरा काट दिया है, मेरा खीरा, और वो काट रही है चकुंदर। उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़ कर और भस्म रमा कर पश्चाताप किया होता, इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा सीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक शर्मनीय होगी। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए मरे हुए विश्वासों की सभी आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। मरे हुए हमारे बेटे सुमित की आत्मा, हमारे मम्मी पापा की आत्मा, हमारे परिवार के सभी जनों की आत्मा, हमारे रिलेशन के सभी लोगों की आत्मा परमेश्वर की दया से सदा शांति में रहे। आमीन। पुत्र क्रूस का चिन्ह, इतवार पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय शू, जय शू, मैं जय शू, तू गंदा गंदा बच्चा है, जय शू करो, जय जय करो, ये नहीं फेंको, अभी गंदा हो गया, जय सो भी नहीं करता है, जय नहीं कर रहा है, जय जय पिट गई, मजा आया, माइलू को डांट पिट गई, मजा आया, नानू तो डांटा रे, बाल गिराया होगा, हाँ
नानू डर के बैठ गया। तो गाइस प्रेयर वगैरह हो गया है और भाभी ने चावल वगैरह खोल दिया है ठंडा होने के लिए। कहाँ है चावल भाभी? अच्छा तो भाभी ने यहाँ पे चावल निकाल दिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ठंडा होगा ना तभी इसका प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। और ये मेरे रूम में रखा है ताकि माइलू इसको छेड़ ना सके। अब जैसे ही ठंडा होगा इसको ज़मीन में वो करके अच्छी तरह से, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत पहले मम्मी बनाया करती थी बट फिर हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो बस थोड़ी देर में हम डिनर करेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज आज तो आजकल तो नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो अंडा ही नहीं मिला। तो जब हम छोटू और मैं दुकान गए थे तो हमें अंडा नहीं मिला, तो हमें ब्लिंकेट से मैंने फिर ये मंगा लिया है, ये पूरा ट्रे मिल गया। थोड़ा सा एक्सपेंसिव बड़ा बट हमें मिल गया। और मुझे ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ अंडा बॉईल करके खाने का मन कर रहा था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा। वैसे तो कितने का आता है मम्मी एक ट्रे? 200-150 में मिल जाता है, बट हमें ये महंगा मिला है, 240 का मिला है। तो थोड़ा सा तो प्राइस इन्होंने राइस क्या हाई कर दिया। और माइलू देखो कितना खुश हो रहा है, अंडा मिल गया खाने के लिए। चलते हैं मेरे रूम में, भाभी राइस बियर उठा रही हैं, मतलब बनाने का प्रोसेस कर रही हैं। तो हम लोग दरवाज़ा बंद करके करेंगे क्योंकि माइलू चला जाएगा, तो दरवाज़ा बंद करते हैं। तो ये रहा, नीचे का गरम है। तो गाइस चावल अभी भी गरम है, भाभी बोल रही है इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। एसी चला देते ना तो हो जाता, ये पंखा से ही होगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा। ऊपर नीचे थोड़ा सा ये कितना ग्लास चावल है? चार ग्लास, साढ़े चार है। अच्छा अभी हम लोग सिर्फ ट्रायल कर रहे हैं कि वो जो मेडिसिन है ना जो जिसमें डालते हैं वो अच्छा है ये नहीं है। तो जो मैंने आपको रानू दिखाया था ना वो उसको भाभी ने पीस के एकदम पाउडर बना दिए हैं ये, तो इसको इसमें मिक्स करेंगे ना भाभी। चावल काफ़ी ठंडा हो गया है तो अभी भाभी ये रानू को जो है मिक्स कर देंगे इसमें। इसके बिना भाभी नहीं बनेगा ना, इसके बिना इसका रानू के राइस बियर नहीं बनता है, तो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि ये जो मेडिसिन है जो रानू है वो सब में मिक्स हो जाए। और आप ये पीछे मत देखना मेरा, ये बेड इतना गंदा हो रहा है। मैं बीमार हूँ ना तो मैं ढंग से मैं सेट ही नहीं कर रही हूँ, बस मैं आती हूँ लेट जाती हूँ थोड़ी देर में, फिर जाके बैठ जाती हूँ सोफे में, फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो आके लेट जाती। बस मेरा रूम अभी थोड़ा मेस्ड अप हो रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो अभी इसी में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मिक्स हो गया है अच्छी तरह से, हमने सारा को मिक्स कर दिया है। ये देखो ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना ये रानू है। अब हमने इसको अच्छी तरह से धो के सुखा दिया है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे।
इसमें कुछ और भी डालेंगे? नहीं। बस और अब क्या करना है? इसको ढक के रखना है। मिर्ची भी डालते हैं इसमें? पानी भी डालेंगे? मिर्ची उर्ची नहीं डालते। पानी? पानी भी नहीं। ऐसे भी बन जाएगा? ऐसे ढक के कहाँ रखेंगे इसको? बेड के अंदर ठूसेंगे तभी तो होगा। मम्मी तो पहले बेड में ठूस देती थी। कौन सा कपड़ा? कोई भी बेड में ठूस दो, पापा के में ठूस दो। कपड़ा इसमें लपेट के कर दे। हाँ हो गया ना। इस सिंपल प्रोसेस होता है। तो बस अब इसको ना हम लोग एक ऐसी जगह में रख देंगे 2-3 दिन के लिए, ताकि गर्मी इसको गर्माहट मिले और ये सड़ जाए। और आपको पता होगा जो भी ये बियर हो गया, दारू हो गया, जो भी चीज़ होता है, ये जितना फर्मेंट होता है, जितना सड़ता है, उतना ही अच्छा बनता है। तो बस हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे किसी कपड़े से और इसको हम डाल देंगे बेड के अंदर। तो फिर 2-3 दिन के बाद खोल के देखेंगे कि ये रेडी हुआ है या नहीं। पापा कोई कपड़ा देना लपेटने के लिए इसको। तो गाइस इसको अब हम अच्छी तरह से ढक देंगे। कुछ कपड़ा तो मिला नहीं, पुराना पर्दा मिला है, कवर ही करना है। तो इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे हम लोग। लपेट के बांध देंगे और इसको ढक के बेड के अंदर ठूस देंगे। कोई नहीं, रख दो और अच्छा बनेगा। अरे अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा तुम क्या जानती हो? मैं सब जानती हूँ। तो गर्मी से तो एक दिन में बन जाएगा ना फिर। सब बेकार हो जाएगा। अच्छा तो गाइस पापा बोल रहे हैं बेड में रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है, ज्यादा गर्मी होने से भी ये खराब हो जाएगा। तो इसके कोने में रख देंगे जहाँ पे एसी की हवा वगैरह नहीं लगेगा और ये जल्दी बन जाएगा। तो भाभी ने देखो कितनी अच्छी तरह से बांध दिया। छोटू अपने कमरे में कोने में रख दे इसे। इतना बदतमीज है ना ये भाभी, देख रही हो? क्या कर रहा है? बोलो मेरे कमरे में जगह नहीं है। कहाँ रखे? तो गाइज हम इसको इस वाले ड्रॉ में रख दे रहे हैं और इसको अब छेड़ना नहीं है 2 दिन के लिए ना। तो हिलाने से क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमने रख दिया है। और कितने दिन में बन जाएगा भाभी? संडे को देखेंगे। संडे या मंडे? तो गाइस संडे को हम खोलेंगे और हम पार्टी करेंगे। राइस बियर पार्टी करेंगे। संडे तक बन जाएगा। तो संडे को इसको हम खोलेंगे और देखेंगे कि ये अच्छी तरह से बना है या नहीं। मैं नहीं पीती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़ा सा टेस्ट क्या है, अच्छा लगता है, खट्टा मीठा, दवाई की तरह। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो चलो मैं डिनर करती हूँ, 11 बजने वाला है और मुझे फिर सोना भी है मेडिसिन लेके। और अभी मैं बिल्कुल भी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि PTM आ रहा है, तो मुझे सारा काम कम्प्लीट करना है। उस वजह से मैं कुछ छुट्टी वोटी ले नहीं सकती हूँ। मेरा अंडा हो गया है बॉईल, अब मैं फटाफट से खाती हूँ। काय मम्मी मेरा अंडा? तो ये रहा मेरा अंडा। ये नमक डाल ले। हाँ सोने से पहले डालो ना। आप डाल दो नमक और डालो। मम्मी मुझे नमक ज्यादा खाना है, खाते हैं। हाँ तो गाइज मैं ये अंडा खाऊंगी और बस मेरे को कुछ खाने का मन नहीं है। फाइनली डिनर वगैरह हो गया है, अब चलती हूँ सोने। मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है, जल्दी सोंगी तो जल्दी उठूंगी। और मैं एडिटिंग आज नहीं करूंगी, मैं एडिटिंग कल स्कूल से आके करूंगी। तो कल थोड़ा सा आपको मेरा व्लॉग लेट मिलेगा। और मम्मी और भाभी को देखो कितने चाव से अनुपमा देख रही है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।
होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी टुमारो इन माय अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।